केस टिकैत हमारे साथ है, आज महापंचायत बुलाई है। दिल्ली में जब आप आते हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों आए हैं दिल्ली में, क्या करने आए हैं, आए क्या है? हमारे पास तो बैन है दिल्ली में ना भाई, कोर्ट से स्टे जाकर दे दो, हम दिल्ली में नहीं आ सकते। और हमने बताया, एसकेएम को बता, इस सरकार को बता दिया, अगले जो आंदोलन करें तो केएमपी के चारों तरफ करें, किले बंदी है, गेट बंद करो, दिल्ली बंद, सरकार बंद। आने वाले टाइम पे जो आंदोलन होंगे दिल्ली को घेरा जाएगा, दिल्ली वाले बॉर्डर पे नहीं, जो केएमपी है उसको घेरे, उसके गेट क्लोज करें, दिल्ली बंद। लेकिन इस बार तो सरकार ने आपको दिल्ली में रामलीला मैदान तक आने दिया, फिर भी आप नाराज दिखाई। आने दिया, इनके वाहन कहाँ है, इनके ट्रैक्टर कहाँ है? बिना ट्रैक्टर का कोई आंदोलन है? ये तो बैरिकेड ये तोड़ा है कि एक पंचायत बिना उसकी भी करके दिखा देंगे। और इसमें भी रात को 12 बजे पुलिस रोक रही, सारी फोर्स को लगा के कानपुर में हमारे लोग उतारे, इलाहाबाद में उतारे, यहाँ गाजियाबाद से परे ट्रेन रोक के रखी, मतलब 2 बजे ट्रेन रोक दी 12 बजे, और उसको छोड़ा फिर सुबह 6 बजे जब पूरे ट्रैक जाम करे। नोएडा में अंदर जो गामू में बसें जा रही हैं उनको बस वालों को पीट रहे, जो बसें लेके गए उनके मालिकों को फोन कर रहे हैं। ये तो अत्याचार है ना। ये आपने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को कहा भी है, सुना है कुछ डायरी वायरी रखने के लिए कार्यकर्ताओं को? हमने कहा है कि हमने लाइव भी किया है कि जो थाना क्षेत्र जो जिला लोगों के साथ में बदतमीजी करेगा उनको रोकने का काम करेगा, हम वहां पे ही पंचायतें करेंगे, जो विभाग रोकेगा उसी के खिलाफ पंचायत करेंगे। हमें 1.5 महीना काम थोड़ा और कुछ, हमें कोई इलेक्शन लड़ना, हमने लिस्ट में नाम लिख लिया। नोएडा में जो थाने में बसों पे लाठियां बजाई है उन्हीं थाने में मीटिंग होगी। तो ये सब चुनाव के ठीक पहले, अब एक दो दिन में चुनाव आने वाला है, घोषणा हो जाएगी, आप कहते हैं कि लेना देना नहीं है, अब दिल्ली में आकर के आप इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं। दिल्ली में हमें वो जगह दिखा दो जहाँ पे उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है। उद्योगपति कभी इस महल, इस किले बाण का देखा यहाँ पे मैदान में? उद्योगपति कहाँ बैठते हैं, उनका कर्जा कैसे माफ होता है? ये किसान तो वो देखने आए यहाँ पे, वो दिखा दो कहाँ होता है। तो इससे कुछ हल निकलेगा? आज क्या रेजोल्यूशन क्या लेने जा रहे हैं? क्या पता वो करेंगे, हमारे लीडर हैं वो करेंगे, वो तय है। ये संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, इसके 40 नेता हैं, जो भी तय करेंगे वे तय करेंगे। हमारी जिम्मेदारी तो आंदोलन में बोलने की, भीड़ इकट्ठी करने की उसकी है, और सब काम वे करेंगे। चलिए, तो भीड़ इकट्ठी है रामलीला मैदान में, ऐलान यही कर रहे हैं कि अगली बार रामलीला मैदान नहीं बैठ में नहीं पहुंचेंगे, बल्कि जो एक्सप्रेसवे है बाहर में उससे दिल्ली का रास्ता बंद करेंगे। और चुनाव के दौरान 1.5 महीना है अभी, तब तक लगातार आंदोलन का अलग अलग स्वरूप चलता रहेगा।